हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 2.3 को करने से पहले। तो रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिवाइड के बारे में कुछ जान लेते हैं, और वो हो सकता है आपको पता हो और शायद ना भी पता हो, तो मैं उसके बारे में एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई दो नंबर ले लेते हैं, 15 एंड 6। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 15 एंड 6 दो नंबर्स। तो अब हम 15 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? जब हम 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 टाइम्स दैट इज 12, एंड 15 − 12 दैट इज 3। जो डिवाइड करने के बाद बचा उसे हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, 3 इज रिमाइंडर। और 2 क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा हमारा कोशियंट। तो जितने टाइम डिवाइड हुआ, जो यहाँ पर आता है डिवाइड में, जो यहाँ पर आता है जितने टाइम डिवाइड हुआ वो हमारा क्या होता है? कोशियंट। एंड जिससे हमने डिवाइड किया उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने इसे 6 से डिवाइड किया तो 6 को क्या बोलेंगे? डिवाइजर, 6 को क्या बोलेंगे? डिवाइजर। और जिसको डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया? 15 को डिवाइड किया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 15 को डिविडियंट। तो ये चार चीजें हैं जो हमको, इन चारों को ध्यान में रखना है, और इन्हीं चारों को ध्यान में रख के हम रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। तो जिससे हमने डिवाइड किया वो क्या होगा? डिवाइजर। जिसको डिवाइड किया वो क्या होगा? डिविडियंट। और जितनी बार डिवाइड हुआ, कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, तो जितनी बार डिवाइड हुआ वो क्या होगा? कोशियंट। इन दोनों को माइनस करके जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। तो हम सिंपली डिविडियंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे डिविडियंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। और डिविडियंट हमारा क्या है? 15 इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है? 6। डिवाइजर क्या है? 6 इनटू कोशियंट क्या है हमारा? 2 एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारा? 3। ये हमारी क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसमें एक बात देखो, जब हमने 15 को 6 से डिवाइड किया हो किया तो आपने एक बात नोटिस की होगी, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा आया है। तो जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज जो है डिवाइजर से छोटा होगा। ये बात याद रखना कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, 12 एंड 6 ही लेते। तो 6 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, देन 6 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आएगा? कितनी बार जाएगा ये इससे? 6 है, 6 × 6, 6 × 2 = 12। तो ये तो पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर माइनस करके आता है वो क्या होता है हमारा? रिमाइंडर। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डिविडियंट इज इक्वल्स टू, डिविडियंट क्या है हमारा इस बार? 12। डिविडियंट क्या है? 12। 12 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है इस बार? 6 इंटू कोशेंट क्या है हमारा? 2 एंड प्लस रिमाइंडर क्या है इस बार? 0। और एक बात और, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि जो है, जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं 6 एंड 2 आर द फैक्टर ऑफ 12, कि ये दोनों जो है 12 के फैक्टर है। जैसे 6 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, और 2 में 6 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हुए 6 एंड 2, और ये फैक्टर्स तभी होंगे जब रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 12 इज द
मल्टीपल ऑफ 6 and 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 12 जो है 6 and 2 का मल्टीपल है। ये बात तो सही है कि हम दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो यही है, अब यहाँ से शुरू होगी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, दो पॉलिनोमियल लेते हैं। एक हमने लिया पी एक्स इजिक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ + x, एंड दूसरा हमने पॉलिनोमियल लिया जी एक्स इजिक्वल्स टू एक्स। तो हमको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? तो स्टेप फर्स्ट होगा, हमें जो दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं पी एक्स और जी एक्स, तो हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। तो हमें क्या करना है, इनकी डिग्री के बेसिस पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो 2x³, उसके बाद उससे छोटी डिग्री वाला x², उसके बाद जिसकी डिग्री उससे कम, फिर उससे छोटी डिग्री x। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया इनके डिग्री के बेसिस पर, जैसे 3, 2, 1। और ऐसे ही सेकंड पॉलिनोमियल को हम कर लेंगे। तो सेकंड पॉलिनोमियल को हम करें या ना करें तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक ही टर्म है x, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप क्या है। स्टेप सेकंड क्या होगा? तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हम जो है इसकी फर्स्ट टर्म, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को सेम करेंगे। तो इसकी तो एक ही टर्म है, यही फर्स्ट, इसकी यही सेकंड, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x³। तो ये हो जाएगा एक्स जैसे हमारे पास। तो देखो जैसे हमारे पास एक्स है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसके बराबर करना है 2x³ के। तो हमारे पास एक्स तो है ही, तो इसको सबसे पहले क्यूब को भूल जाओ, 2x करना है हमें। तो 2x करना है, तो हमारे पास x तो है ही, तो हम इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से मल्टीप्लाई और कर दें। तो ये हमारे पास आ गया 2x। अब 2x हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x³। तो एक x तो है ही हमारे पास, तो x² से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो हमने जिससे मल्टीप्लाई करी इन दोनों, तो हमने जिससे मल्टीप्लाई करी इन दोनों को सेम करने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोशियंट की फर्स्ट टर्म x 2x², ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। और जब हमने 2x² को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 2x³। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद x² + x, वे पूरी टर्म को नीचे उतार लेंगे जो बचा। अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म को इससे सेम करेंगे, इन दोनों, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को सेम करेंगे। तो हमारे पास एक्स है और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जो x² आ जाए, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, x * x, x² हो जाएगा। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई करी वो तो आ जाएगा कोशेंट में, इससे मल्टीप्लाई करी हमने एक्स से, और मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा x² माइनस। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स। और इस बार हमको इन दोनों को सेम करना है, तो इस बार एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हमको हर बार करनी है, इस बार x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमें x ही मिले। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई हमने किससे की, 1 से, वो यहाँ पर आ जाएगा +1, और मल्टीप्लाई करके हमारा आया क्या x, माइनस करेंगे x से x कैंसिल, ये आ गया हमारा 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिविडियंट क्या है हमारा, डिविडियंट जिसको डिवाइड किया वो क्या है हमारा 2x³ + x² + x, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है हमारा x। और
कोशेंट क्या है हमारा जो डिवाइड करके आया है ये, तो कोशेंट क्या है हमारा 2x² + x + 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं एक्स एंड, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं एक्स एंड 2x² + x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 2x³ + x² + x। और हम बोल सकते हैं 2x³ + x² + x इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स एंड 2x² + x + 1। तो चलो अब एक और एग्जांपल से देखता बताता हूँ मैं आपको। इस बार तो हमने बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है, अब थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं। तो इस बार हम एग्जांपल लेते हैं px = x + 3x² - 1 and gx = 1 + x। तो इस बार हमें px को gx से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा कि इनको अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे इनकी डिग्री के बेसिस पर। तो सबसे पहले इसको करते हैं, इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले px को करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3x² + उसके बाद x आ जाएगा, उसके बाद -1। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 0 है। उसके बाद gx को कन्वर्ट करेंगे ऐसे ही, gx = सबसे पहले आएगा x, उसके बाद +1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 0। तो स्टेप सेकंड क्या है हमारा, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म एंड इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म, इन दोनों को हम क्या करते हैं सेम करते हैं। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x और इसकी क्या है 3x². तो x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 3x² आ जाए। तो x में हमें 3x² करना है, तो सबसे पहले तो हम 3 से ही करते थे, तो ये हो गया 3x। अब हमें करना क्या है 3x² तो हम इसमें एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गया ना 3x * x 3x² हो जाएगा ना। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा 3x² सेम हो गए ना दोनों 3x². तो और जो हमने मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करी जिससे 3x से, उसी से हम इसकी बाकी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल की। तो हमने 3x से x में तो मल्टीप्लाई कर दी, और अब करेंगे हम 1 में जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। अब इनको माइनस करेंगे, माइनस साइन चेंज कर लेंगे, माइनस करेंगे अब हम इसको, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से -3x + x, तो ये क्या बचेगा -2x - 1। अब फिर से हम वही करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को सेम करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म x और इसकी क्या है -2x। तो इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो -2x आ जाए, x तो हमारे पास है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है -2 से मल्टीप्लाई कर देते, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना -2x। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई करी वो तो आएगा यहाँ पर कोशेंट में, किससे मल्टीप्लाई करी हमने -2 से मल्टीप्लाई करी ना हमने। तो जब हमने इसमें -2 से मल्टीप्लाई करी तो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई -2x, और -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस ही लिख रहा हूँ। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया एंड प्लस टू ये प्लस है ना, ये माइनस प्लस हो गया ना, +2 एंड -1, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा 1। अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते अब हम इसको, क्योंकि हम वहीं तक डिवाइड करते हैं जब तक कि जो डिविडेंट की डिग्री है वो डिवाइजर से बड़ी हो। आप देख रहे हो यहाँ पर डिविडेंट की डिग्री क्या है 1, डिविडेंट की डिग्री क्या है 0,
तो यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री क्या है, 1। तो डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो गई डिविडेंड से, तो हम इसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डिविडेंड क्या है हमारा 3x² प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है हमारा एक्स प्लस 1 इंटू, कोशेंट क्या है हमारा 3x, और ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2, एंड रिमाइंडर क्या है हमारा 1। तो जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये इसके ना तो फैक्टर है और ना ही ये इसका मल्टीपल है रिमाइंडर, क्योंकि 1 आ रहा है। ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो आप रिमाइंडर, हमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले हमें कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे हमसे पूछ ले कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे डायरेक्ट पूछ ले, तो हमें ऐसे पूरी रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी और जब निकालेंगे तो ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमारे पास एक दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल थे, क्या थे, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x² माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हम करेंगे क्या, हम जो है जी एक्स के मतलब डिवाइड करके हम क्या करेंगे जीरो फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड कैसे करेंगे, जी एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे और जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 1। तो इसके हमें जी एक्स के जीरोज मिल गए माइनस 1, यानी कि डिवाइजर के हमें जीरो मिल गए, जीरोज मिल गए माइनस 1। जो हमारे डिवाइजर के जीरोज है यानी कि जी एक्स के जीरोज है माइनस 1, उसको हम क्या रख देंगे पी एक्स में रख देंगे, उसको उसकी वैल्यू को पी एक्स में रख देंगे हम। तो पी एक्स की जगह पर क्या रख देंगे हम माइनस 1, तो एक्स की जगह पर माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 एज इट इज, जब हम 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1, और प्लस 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 एंड माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2। देखो माइनस 1 एंड माइनस 2 ऐड हो जाएंगे माइनस 2 माइनस 2 एंड प्लस 3, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बचेगा ना, प्लस 1 बचेगा ना, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो आप चेक भी कर लो, देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था हमारा रिमाइंडर 1, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा 1, और ये हमने देखो कितनी जल्दी फाइंड कर लिया। हमने क्या कैसे ये फाइंड रिमाइंडर, जी एक्स के जीरोज निकाले, जी एक्स के हमने जीरोज फाइंड करे, जी एक्स को जीरो के बराबर रखा, जी एक्स के जीरोज हमें मिल गए एक्स स्क्वायर टू माइनस 1, जीरोज क्या मिल गए माइनस 1, उसकी वैल्यू हमने पी एक्स में रखी एंड पी एक्स की में रखी और हमें वैल्यू क्या मिली पी एक्स की 1, तो ये 1 हमारा क्या है रिमाइंडर। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीका हो गया रिमाइंडर फाइंड करने का। तो जब भी हमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछे तो हम इसी तरीके को लगा देंगे। तो अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आप इसके और एग्जांपल्स करो और मैं और अच्छे से प्रैक्टिस इसकी एक्सरसाइज में करा दूंगा।